हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे एकदम से अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करके ही जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और ये ब्लॉग है करवा चौथ के दिन का, और अभी देखिए सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है काम भी इस दिन बहुत सारे होते हैं और हम महिलाओं को कहाँ फुर्सत है। तो बस अभी शाम से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, करीबन 4 बज रहे हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने चौक लगा दी है, क्योंकि बिना चौक के तो कोई भी पूजा पूरी होती नहीं है। और उसके ऊपर ये जो टेबल लेके आई थी मैं पूजा करने के लिए, इसको रख दिया है। और इसके बाद अब थाली सजा लेते हैं, तो फूल माला वगैरह, और प्रसाद के लिए कुछ फल मंगवाए थे मैंने, और ये टिकिया, ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती है, ये आटे की छोटी छोटी सी पूड़ी जैसी जो दिख रही है इसको टिकिया बोलते हैं। और ये पेड़े मैंने शाम को बनाए थे, तो इनमें पता है क्या हुआ, चीनी है ना बहुत कम मैंने डाली थी, क्योंकि दूध था ज़्यादा, चीनी मैंने कम ही डाली है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा नरम से रह गए, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा बना था सच में। तो बस वो भी मीठा मैंने रख दिया है भोग लगाने के लिए, और बस लास्ट में भर लिया अपना ये करवा, यानी कि जल इसके अंदर भरा जाता है, इसी से अर्घ देना होता है। तो एक में मैंने ये जल भरा है, और जो दूसरा वाला है उसमें प्रसाद वगैरह जो होता है मीठा सारा कुछ वो भर लूँगी मैं, फरे वगैरह कच्चे आटा के बना के डाले जाते हैं, तो वो मैं दूसरे वाले में रखूँगी। और एक में जल भर लिया है, और नीचे ये चौक, क्योंकि चौक सूनी नहीं रहनी चाहिए पूजा वाली, तो इसमें मैंने क्या किया है, गेहूँ रख दिया है, कुछ भी रख दो आपके पास जो है, चावल गेहूँ। और यहाँ पर देखिए चूड़ी वगैरह मैंने पहले ही पहन ली है, महावर भी लगा लिया है पैरों पे, और लास्ट में साड़ी भी पहन ली है, और लास्ट में बारी है अब मेकअप करने की। तो मेकअप करना आप लोगों को तो पता ही है, मुझे तो आता नहीं है, पर जो भी आता है थोड़ा बहुत वो मैं कर लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने दोनों फ़ैन चालू कर लिए हैं, तो बस इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अनिका के पापा ने वीडियो शूट किया है, तो वो देख देख के हंस भी रहे हैं और मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो थोड़ा सा जब अब खुद तैयार हो ना, कोई गौर से देखता है तो अजीब थोड़ा सा लगता है मुझे, तो हंसी भी आ रही थी मुझे। और ये देखिए फाइनली मेरा मेकअप हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने जो कुछ मुझे आता है वो लगा लिया है, काजल वगैरह, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, और बस सिंदूर लगाया बिंदिया, क्योंकि सुहागनों का तो असली सिंगार यही है, सिंदूर और बिंदिया अपनी। और आप लोगों ने हमारा फाइनल लुक तो देख ही लिया है कि कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं हम। और इसके बाद में अब चलते हैं फटाफट से कर लेते हैं पूजा, क्योंकि 8:00 का दिया है समय चांद निकलने का, तो पूजा पहले से कर लेंगे, और जब चांद निकल आएगा तो अर्घ दे के फिर अपना व्रत खोलेंगे हम। तो बस, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आज हम लोगों ने कुछ प्लान किया है कि कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे और खाना वगैरह वहीं खाएंगे, तो इसलिए बच्चे भी खुश हैं, और मैंने दोनों को पहले ही तैयार कर दिया है। तो इन लोगों को ये खुशी नहीं है कि मतलब आज कुछ है मम्मी का व्रत वगैरह, बस ये खुशी है कि हमें कहीं बाहर जाना है। तो बस फटाफट से कर लेते हैं अपनी पूजा, और पूजा करना क्या बताना है, वो तो सभी को आता ही है, तो बस लेकिन मुझे जो जैसा आता है ना उस तरीके से कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए,
ये है ना कि मेरे यहाँ पे क्या है, ये जो व्रत होता है करवा चौथ का, इसे नहीं रखते थे, क्योंकि बोलते हैं जब कोई ख़त्म वगैरह हो जाता है इस दिन, किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, तो फिर ये व्रत नहीं होता है। तो हमारी मम्मी लोग, सासू जेठानी जो लोग हैं परिवार की, कोई भी नहीं करता है, मेरे घर में भी कोई नहीं करता है, सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जो मैंने इसको उठा लिया था। और भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि सब कुछ अब तक अच्छा रहा, तो बस मैं करती हूँ। और फाइनली अब के साल हमारे परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया है, और इसी दिन, तो हमारे घर में क्या है ना कि फिर से हमारा ये त्यौहार वापस आ गया है, तो इसलिए इस साल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फाइनली देखिए चांद निकल आया है, पूजा जैसे मेरी ख़त्म हुई तुरंत चांद आ गया था, तो फिर बहुत खुशी हुई मुझे कि अब जल्दी से हमारा व्रत जो है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले देते हैं चांद को अर्घ, अर्घ देने के बाद में चांद की पूजा करेंगे, फिर इसके बाद में अपने चांद की पूजा करेंगे जिसके लिए हमने व्रत रखा है, तो अपने भी चांद की तो पूजा करना बनता है। और क्या हुआ ना, कोई था नहीं अब की बार, तो बहुत दिक्कत हुई वीडियो शूट करने में, अनिका फ़ोन अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी, तो फिर हम लोगों ने सारा वीडियो जो है वो ट्राईपॉड में लगा के ही शूट किया है। तो जैसा भी है आप लोग बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, 2 दिन से हो गए हैं इस ब्लॉग को शूट किए हुए, यानी करवा चौथ को, और आज 3रा दिन है जब आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो कारण है कि मैं क्यों इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कारण तो कई सारे हैं, फिलहाल मैं आपके साथ में एक दो ही शेयर करूँगी। तो पहला कारण तो यही है कि हमारे यहाँ पे नीचे हो रही है श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी वजह से माइक जो है वो बजते रहते हैं, तो वॉइस ओवर करने का समय नहीं मेरे पास में। और दूसरा कारण ये है कि मेरा ईयरफोन ख़राब था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली आज सारी समस्याओं को ख़त्म करके मैंने वीडियो वॉइस ओवर कर ही दिया। और यहाँ पे देखिए चांद की पूजा हो गई है, और अब बारी आ गई है मेरे चांद की पूजा करने की। तो यहाँ पे अभी ये फ़ोन सेट कर रहे हैं ट्राईपॉड में लगा के, क्योंकि कोई पकड़ने वाला है नहीं, बाबू मेरे बहुत छोटे हैं, तो फिर ट्राईपॉड में लगा के, और अब करूँगी मैं अपने चांद की पूजा यहाँ पे। और लाइट थी नहीं, तो इसलिए फिर कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी टेम्परेरी। तो फिर मैंने क्या किया है, एक बल्ब ये रखा था मेरे पास में एक्स्ट्रा, थोड़ा सा तार रखा था, तो उसी से बस जुगाड़ अपना बना लिया है। और आप लोगों को पता ही है हम भारतीय तो जुगाड़ लगाने में बहुत आगे हैं, तो बस जुगाड़ लगा के बना लिया है, रोशनी चाहिए और क्या। और ये देखिए अनिका के पापा आ गए हैं, और इन्हें ना बहुत ज़्यादा शर्म सी आ रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आज ही के दिन है आप लोगों का जो भी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं कर दूँगी इनको टीका वगैरह, इसके बाद इनका चेहरा देखूँगी चांद का अपने, और इनका मुंह मीठा करवा दिया है। और अब की बार क्या हुआ ना कि अकेले ही थे हम लोग, कोई था ही नहीं, और ये देखिए छन्नी जो है मेरे हाथ से छूट गई है, क्योंकि ये थाली बहुत छोटी है, तो ये पता नहीं किस तरीके से फिसल गई मेरे हाथ से और छूट गई है। और यहाँ पे देखिए ना मुझे हंसी आ रही थी पता नहीं क्यों, और कुछ फ़ोटो कोई क्लिक करने वाला था नहीं, और फोटो खिंचवाने का शौक तो होता ही है क्योंकि इतना तैयार हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, अपने आप से ही ऐसे पोज ले लिया है थोड़ी देर रुक रुक के, कि बाद में इसी का क्या करेंगे हम, वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, क्योंकि फ़ोटो फिर किस तरीके से खींचते कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सेल्फी में क्या होता है हाफ फ़ोटो आती फुल आ नहीं पाती। तो इसलिए हम लोगों ने यही प्लान बनाया कि थोड़ा सा ऐसा पोज बनाएंगे कि जैसे कोई हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, और बाद में क्या करेंगे इसी से अपना स्क्रीनशॉट निकलवा लेंगे, निकाल लेंगे खुद ही। और यहाँ पे ये देखिए बाबू भी आ गया है, ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि पापा मम्मी पेड़े खाए जा रहे हैं और हम बच्चे जा रहे हैं, इसलिए ये लोग आगे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले खा लिया है, इसके बाद में इन लोगों को दिया है, और इन लोगों को तो यही लग रहा है कि मुझे भी जल्दी से मिल जाए, क्योंकि बच्चे हैं इनका तो यही हाल है। तो फ्रेंड्स, इस साल का करवा चौथ कुछ इस तरीके से रहा हमारा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे कि मेरे परिवार में सारी महिलाएं अब फिर से करवा चौथ रहेंगी। और जैसा कि दीदी लोग बता रही थी कि 40 साल बाद हमारे यहाँ पे ये त्यौहार जो है वापस आया है, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है, खुशी है सबको। मेरी दीदी लोगों की जो जिठानी है ना, उन लोगों की शादी के बहुत साल हो गए हैं, किसी के 20-22 साल, अब उन लोगों को ये व्रत रहने को मिलेगा।